दोस्तों, वेलकम टू इंडियन होम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो धूप तो बहुत अच्छी हो गई इस टाइम, और इस धूप में मज़ा भी बहुत आ रहा है। फिलहाल मैं दिखाती हूँ आज घर में क्या बनाए खाने में। मैं तो भाई इस कढ़ाई को धड़ल्ले से यूज़ कर रही हूँ, मतलब डेली इसमें कुछ ना कुछ कुक हो रहा है। आज इसमें बना है गाजर मटर आलू की सब्ज़ी, और बहुत ही यम्मी बनी है। कलर भी बहुत अच्छा आया है, देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, और बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो मैं इसको डेली इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कुछ ना कुछ बना के। अच्छा, किसी का कमेंट पड़ा था कि इसके हैंडल्स तो गर्म नहीं हो जाते, बिल्कुल भी ऐसा मैंने फील नहीं किया खाना बनाते समय। और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी उतर के आ रही हैं, उतर के मतलब बन के आ रही हैं, और आगे और भी सब्ज़ियाँ बनाएंगे। तो आज बनी है गाजर मटर आलू की सब्ज़ी, साथ में अरहर की दाल, और इसके साथ हम खाएंगे रोटी। यही हमारा आज का लंच होने वाला है। आज मन था घर में कुछ डेकोर करते हैं, तो विंटर वाइब्स ज्यादा अच्छे से आए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कैंडल ली, जो कि मेरे पास पहले की थी। उसके चारों तरफ मैंने सिनेमन स्टिक लगा दी। जब इसे हम जलाएंगे ना, तो सिनेमन की खुशबू पूरे घर में आएगी, जो बहुत अच्छी लगने वाली है। कभी तो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए थे ये एप्पल, और इसे आप चाहो तो हैंग कर सकते हो, चाहो तो आप टेबल पर ऐसे ही रख सकते हो। मैं इसके साथ कुछ डीआईवाई करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ पाइन्स हैं जिन्हें मैं लगाने वाली हूँ इस एप्पल के साथ। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पाइन को अरेंज कर दिया, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम घर की डेकोरेशन में थोड़ा बहुत चेंज करें तो अच्छी सी वाइब्स आती हैं, और उस मौसम को ना हम और अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। आसपास का जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, तो उनसे ना हमें खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है जब भी हम उस तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर ना मैं विंटर लुक क्रिएट करने वाली हूँ अपनी डाइनिंग टेबल का, जिसके लिए मैंने बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर रही थी, और फाइनली सारा सामान जो है आ गया है। कुछ मैंने DIYs भी किए हैं इसमें, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से छोटे छोटे DIYs करने से ही जो है लुक में थोड़ा चेंज आएगा, विंटर वाइब्स आएंगी जो कि बहुत अच्छी लगेंगी। तो विंटर में आप अपनी डाइनिंग टेबल को इस तरीके से जब डेकोरेट करोगे, घर पर कोई गेस्ट बुला रहे हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दो चार लोग आपके घर पर आके आपकी तारीफ ही करके जाएंगे आप जब इस तरीके से सीजन के अकॉर्डिंग लुक क्रिएट करते हो अपने घर में किसी भी कोने में। मैं डाइनिंग टेबल की ही बात नहीं कर रही हूँ, चाहे बेडरूम हो चाहे आपका लिविंग रूम हो, यहाँ पर थोड़े थोड़े विंटर वाइब्स वाले चेंज करो, फिर देखना कि घर कितना प्यारा लगता है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर मुरादाबाद से जो ली थी वो है, जैसे ये वाली ट्रे आपको याद होगा मैंने दिखा चुकी हूँ, ये कैंडल स्टैंड जो कि बहुत सस्ते सस्ते मिल गए थे। कुछ जूट के मैंने ये मैट्स मंगाए, यहाँ पर मैंने नैपकिन मंगाया है वाइट कलर का प्लेन, और इसको भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप नैपकिन के दो तीन डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप अपने डाइनिंग टेबल पर जब कोई गेस्ट आएगा या अपने लिए सैटरडे संडे खुश रखने के लिए, खुद की भी हैप्पीनेस ज़रूरी होती है, तो उसके लिए अगर आप कुछ भी लुक क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। या घर में एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, उसके लिए भी रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ पाइन वगैरह मैंने इस टाइप से स्टिक्स मंगाई हैं। ये सारा लुक मैं पहले क्रिएट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। मैं रेडी करने वाली हूँ एक बहुत प्यारी सी ट्रे, और इसे हम रखेंगे डाइनिंग टेबल पर सेंटर में। तो यहाँ पर मैंने अपनी खुद की बनाई हुई सिनेमन स्टिक वाली कैंडल रख दी सबसे पहले, जो कि जब आप इसे जलाएंगे ना तो बहुत अच्छी सिनेमन की जो खुशबू है पूरे घर में आएगी, जो कि बहुत अच्छी विंटर वाइब्स देगी। इसके साथ मैंने जो एप्पल वाला DIY तैयार किया था वो भी मैंने इसमें रख दिया। यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन्स रख दिए ट्रे में, ये भी काफी पुराने स्टोन थे जिन्हें मैंने वॉश करके रख दिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पॉट प्यूरी डाल दी, और ये भी बहुत कलरफुल थी तो बहुत ही कलरफुल लग रही थी इस टाइम ट्रे। इसमें ड्राई रोज पेटल हैं, थोड़े बहुत इसमें पाइन कोन्स भी हैं, और कुछ पाइन कोन्स मैंने मंगाए थे ऑलरेडी, तो वो मैं इसके साथ अरेंज कर दूंगी। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था विंटर में ना, इस टाइप का लुक अगर आप क्रिएट करोगे ना घर में तो बहुत ही प्यारी वाइब्स आएंगी। आप चाहो तो इसको अपने बेडरूम में रख सकते हो, चाहो तो मेरी तरह डाइनिंग टेबल पर डेकोर में यूज कर सकते हो। इन पाइन कोन्स की वजह से बहुत अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये खरीदने पड़े। अगर आप माउंटेन एरिया के आसपास रहते हो तो आपको ये ऐसी सड़कों पर मिल जाएंगे, तो बस उन्हें कलेक्ट करके ले आइए और घर पर इनका बहुत प्यारा सा DIY करिए। आप चाहो तो इस पे हल्का सा स्प्रे व्हाइट पेंट भी कर सकते हो, जिससे थोड़ा स्नो वाला लुक भी आएगा। यहाँ पर मैंने होम सेंटर से ये वाले लीव्स लिए थे, जिनमें अगेन ड्राई लीव्स हैं ये, और ये ओरिजिनल है। इनको मुझे ना अपने वास के अकॉर्डिंग कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइज में कुछ बहुत लंबे थे।
तो ये जो मैं लेकर आई थी ना होम सेंटर से, इसमें कुछ स्टिक्स काफी लंबी है और ये पता है ओरिजिनल है। सबसे अच्छी बात ये कि ओरिजिनल फ्लावर्स को ड्राई करके बनाया गया है, तो हमें ना क्या करना होगा, इनको ना काटना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने वास में लगाना है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने एक ऑलरेडी कट कर लिए और अब मैं थोड़े ऊंचे रखूंगी थोड़े नीचे, इससे ना लुक बहुत अच्छा क्रिएट होता है, इल्यूजन रहता है कि ज्यादा फ्लावर्स है इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग ये कट करने वाले हैं, इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर रखा है एंड मार्क करने के लिए हम इसको हल्का सा बस ऐसे करेंगे एंड देन उसे तोड़ेंगे हम हाथों से क्योंकि अब कैची से तो नहीं होने वाला। कुछ जो स्टिक्स लंबी थी उनकी स्टिक्स जब मैंने कट करी थी तो जो छोटी वाले स्टिक वाले थे उनके साथ मैंने उन्हें अटैच करके उन्हें सेम साइज का कर दिया था, तो मैंने टेप लगा दिया था बीच में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले डाइनिंग टेबल क्लीन करने वाली हूँ, उसे मैंने पहले अच्छे से कोलीन से साफ कर लिया था और उसके बाद मैंने क्या किया है ना, एक कॉटन का कपड़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने उस पर ऑलिव ऑयल डाला है और इसकी हेल्प से मैं पूरी डाइनिंग टेबल को पॉलिश कर रही हूँ। पॉलिश मतलब एक पॉलिश वाला जो लुक होता है ना, जो जब आप नई नई डाइनिंग टेबल खरीदते हो एक चमक होती है ना, वो वापस आ जाएगी। अगर आप भी अपने लकड़ी की चीजों को चमकाना चाहते हो तो कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरीके से रब करिएगा, बहुत अच्छा जो शाइन है वो वापस आ जाती है। यहाँ पर मैंने एक टेबल रनर मंगाया था जो कि चेकर्ड प्रिंट का है और ये टेबल रनर बहुत अच्छी वाइब देगा विंटर में। विंटर में ना चेकर्ड प्रिंट जो होते हैं वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं, चाहे आप उसे लिविंग रूम में यूज करो, बेडरूम में या फिर डाइनिंग रूम में। और चेकर्ड प्रिंट के साथ मैं यूज कर रही हूँ जूट हुआ, ये सब चीजें जो है विंटर में बहुत अच्छा लुक देती हैं। इसके अलावा आप वुडन चीजें यूज करो, जितनी भी वुड की चीजें होती हैं वो भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रे लगा दी है सेंटर में, अब मैं इसमें सारे के सारे फ्लावर अरेंज कर रही हूँ और फ्लावर के साइज मैंने अच्छे से फिट कर लिए थे तो बहुत ही प्यारा लुक जो है वो आ रहा था। ये सारे के सारे जो ड्राई फ्लावर्स है ना एकदम विंटर वाइब दे रहे हैं। अब इस पूरे लुक को इनहेंस करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, काफी टाइम से मेरा मन था इसे लेने का। तो ये कुछ इस तरीके से पैक होकर आया है, इसको मुझे अब बनाना पड़ेगा, तो बस मैं इसे सबसे पहले बनाकर तैयार कर लूंगी फिर आपको दिखाऊंगी इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। ये है डबल डेकर केक स्टैंड जिस पर आप कुकीज रख सकते हो, केक्स रख सकते हो और भी कुछ स्नैक्स रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। यहाँ पर केक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस टाइम ये, इसमें गोल्ड का टच है। वैसे भी मैंने डाइनिंग टेबल पर गोल्ड फिनिश वाली चीजों का ज्यादा यूज किया है, यहाँ पर जो मैंने कैंडल स्टैंड लगाए हैं वो भी गोल्ड फिनिश में है तो लुक बहुत ही प्यारा क्रिएट हो रहा था। एक बहुत ही क्यूट सी चीज दिखाऊं, यहाँ पर मैंने मंगाया है सॉल्ट एंड पेपर सेट और ये ना शर्ट और पैंट वाला है, शर्ट हाँ बहुत ही क्यूट था ये गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा था लगने के बाद, तो इसे भी मैंने डाइनिंग टेबल पर इस तरीके से सेट कर दिया। और यहाँ पर मैं अब डाइनिंग टेबल पर लगाने वाली हूँ प्लेट्स वगैरह और मैं आपको ना एक दो डिजाइन दिखाऊंगी। कुछ लोग मुझसे मांग भी रहे थे जब मैंने पहले सजाया था कि आप जो नैपकिन्स हैं उन्हें किस तरीके से फोल्ड करके लगाते, तो यहाँ पर मैं दो डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप भी बनाकर देखना, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन लगता है। जब कोई गेस्ट घर पे आ रहा होता है ना तब आप इस तरीके से अपनी जब डाइनिंग टेबल को डेकोर करते हो तो ना आपका पता चलता है कि यार आपको क्या क्या चीजें करनी आती हैं, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप मतलब क्या हो, मतलब आपका व्यक्तित्व पता चलता है इससे इन टोटल। तो आप कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करो आप जब कभी आपके घर में गेस्ट आए कि वो आपकी तारीफ करे बिना ना जा पाए। खाना तो मैटर करता ही है, जब भी कभी आप गेस्ट को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाते हो, टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हो, वो तो मैटर करता ही है लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। तो स्पेशल गेस्ट को खुश करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए आप ये सब ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल जो है मेरी सेट हो गई है, ग्लास भी मैंने लगा दिए हैं।
थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट वाला एरिया भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। जो सामान पहले डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैंने साइड में सेट कर दिया था। इसके अलावा मैंने डबल डेकर केक स्टैंड पर लगा दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कप केक, जिन्हें देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर कुछ वैसे वाले केक भी लगा दिए, थोड़ी से मैंने इसमें मैक्रून लगा दिए। नीचे मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ कुछ, मतलब नमकीन भी होना चाहिए ना, तो पनीर वाली और आलू वाली पेटीज भी मैंने इस पर सेट कर दी हैं। आप अपना मन चाहा कोई भी स्नैक यहाँ पर सेट कर सकते हो। कैंडल्स मैंने जला दी हैं, पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये लुक। पर मैंने विंटर लुक क्रिएट किया है डाइनिंग टेबल का और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी अच्छा मतलब तैयार होके आया है। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसके लिए धीरे धीरे इकट्ठी कर रही थी और जब मैंने ये पूरा ना माइंड में एक सेटअप करा हुआ था कि मैं किस तरीके से रेडी करूँगी पूरे लुक को, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही निकल कर आया जैसा कि मैंने अपने माइंड में सोचा था इसकी पिक्चर, और बल्कि उससे ज़्यादा बेटर निकल के आया है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई होप आपको भी मेरे ये आइडियाज़ जो हैं वो हेल्प करते होंगे और आपको भी पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे थोड़े से भी आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियोज़ हेल्प करती हैं, या फिर थोड़ा सा आपके दिल में खुशी लाती हैं या चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, तो बस, और पूरे दिन में कभी भी आप मुझको एक बार भी ऐसे ही याद कर लेते हो कि रीमा, तो बस मेरे लिए ना वो दिन बन जाता है। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है ना, मेरे को ढेर सारा प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाना है, जिससे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और भी अच्छे अच्छे लुक्स आपके साथ क्रिएट कर सकूं, जैसे बेडरूम का, और अगर आप दिखना चाहते हो लिविंग रूम का तो मैं उसका भी क्रिएट करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे जो इस लुक में सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है डबल डेकर केक स्टैंड, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पूरे लुक में ना एक जान डाल दिया है, बहुत इन्हेंस हुआ है इसकी वजह से लुक। तो जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं मैंने ये जो इसमें इस्तेमाल किए हैं, जिनके लिंक मेरे पास होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, अगर आप लेना चाहो तो वहां से चेक कर लेना। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इधर उधर से रैंडमली कलेक्ट करी हैं, तो मैं उनके लिंक नहीं दे पाऊंगी। और बाय द वे मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं ना किसी का वेट कर रही हूँ, आज घर कोई घर पे डिनर पे आने वाला है, जिसकी वजह से ये लुक क्रिएट करने में एक थोड़ा सा होता है ना मोटिवेशन मिलता है कि जब कोई घर पे आने वाला तो आपको लगता है कि नहीं कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और वैसे भी मैंने विंटर के लिए थीम सोच के रखा था तो सोने पर सुहागा हो गया। तो आप लोग बताना, फिर मैं मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइज़।